ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। आज इको गार्डन की सरजमी पर उत्तर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि उपस्थित, जिनकी संख्या लगभग 1000, शायद ही कोई प्रदेश का ऐसा विकासखंड है जहां से यहां पर एक प्रतिनिधि उपस्थित न हो। सर्वसम्मति से यहां पर एक निर्णय हुआ है कि अब केवल और केवल लड़ाई शिक्षा मित्र समाज की होगी, न टेट पास की होगी न नॉन टेट की होगी। शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी लड़ाइयां हैं, कल सुबह आपको यहां पर एक बैनर मिलेगा, जितनी भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हमारी एक कोर कमेटी लड़ेगी। यहां पर जो भी व्यक्ति उपस्थित है वो प्रदेश के बहुतायत संगठनों को छोड़ करके शिक्षा मित्र की विचारधारा से उपस्थित है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उसी क्रम में एक निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय हमें महाभारत का कर्ण बनने पर मजबूर न करें। हमारी उत्पत्ति भाजपा शासन के दौरान हुई, मैं नहीं जानता कि आखिर वो कौन सी हीन भावना है इस भारतीय जनता पार्टी में कि उसी के जीवन में उसी के द्वारा पैदा किए गए गांव गरीब किसान के बच्चे जो कभी PCS बन सकते थे, IAS बन सकते थे, उन्हें 2 पैसे की टका जैसी नौकरी करने के लिए गाँव में इन्होंने डाल दिया। और आज जब सत्ता इनके पास है, जब इनके पास सत्ता नहीं थी, माननीय सदन में रोते थे, उस समय हम लोगों से कहते थे कि तुम्हारे धरने को धार देने की जरूरत है। शहीद स्मारक माननीय योगी जी की देन है, जिनके कहने पर हम लोग शहीद स्मारक बना गए, हमें गोली लगी। आज वही सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती है। आपके पास सबके लिए है, आपके लिए किसान के लिए है, जवान के लिए है, समाज के लिए, लेकिन आखिर शिक्षा मित्र के लिए आपके मन में वो कौन सी भ्रांति बढ़ी हुई है जो आप उसकी बात नहीं करना चाहते, शिक्षा मित्र से वार्ता नहीं करना चाहते। अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप सीधे कह दीजिए कि यह गोमती का कुंड रखा है, सारे शिक्षा मित्र इसमें डूब मरे, या हमारी नागरिकता वापस ले लीजिए। अगर हम भारत के नागरिक नहीं तो हमारी नागरिकता वापस, हमें हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए। हम 18 साल से हैं, हमारे पिताजी की नियुक्ति, हमारे चाचा की नियुक्ति उम्मीदवारी पद्धति पर हुई थी, शिक्षा मित्र जैसी पद्धति पर हुई थी, और हम 18 साल से रगड़े जा रहे हैं गांव में, गांव वाले हमको छोटा गुरु जी कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कहीं वो वक्त ना आ जाए कि आपको भी एक्स मुख्यमंत्री कहने लगे लोग। हमें हमारे अधिकार दे दीजिए और हम आपके अधिकार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर देंगे।